हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था, यानी सिरोही जिले का राजस्थान में विलय कब हुआ था। एक नंबर ऑप्शन 1948, दो नंबर ऑप्शन 1949, तीन नंबर ऑप्शन 1952 और चार नंबर ऑप्शन 1950। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1950 में, चार नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय राजस्थान की श्रेणी का राज्य था। जब स्वतंत्र हुए थे उस टाइम राजस्थान की श्रेणी का राज्य था। एक नंबर ए श्रेणी, दो नंबर बी श्रेणी और तीन नंबर है सी श्रेणी, चार नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी श्रेणी, दो नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 15 मई 1949 को गठित संयुक्त वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे। 15 मई 1949 को गठित संयुक्त वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे, चार नंबर ऑप्शन सही होगा, हीरालाल शास्त्री। अगला क्वेश्चन है, किस आयोग की सिफारिश पर आबू दिलवाड़ा तहसीलों में अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसके द्वारा आबू दिलवाड़ा तहसीलों में अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग, आप सीधा याद रखिए क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, वृहद राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे। वृहद राजस्थान के मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे, तीन नंबर ऑप्शन सही होगा, हीरालाल शास्त्री। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम गठित होने वाली इकाई कौन सी थी। तो मत्स्य संघ था, सबसे पहले मत्स्य संघ बना था अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया सबसे पहले मत्स्य संघ से शुरू हुई थी, तीन नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद देश की देसी रियासतों का एकीकरण किसके प्रयासों से संभव हुआ था। तो उस टाइम स्वतंत्रता के समय देसी रियासतों का जो एकीकरण है वो एक तो वीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल, दोनों याद रखिए आप, इन दोनों के द्वारा ही यह संभव हो सका था देसी रियासतों का एकीकरण, वीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे। तो श्री शोभाराम कुमाऊ थे, वो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, राज्य के झालावाड़ जिले का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश में कब मिलाया गया था। हमारे जो राजस्थान के अंदर झालावाड़ क्षेत्र के अंदर एक आता है सिरोंज क्षेत्र, जिसको मध्य प्रदेश में मिलाया गया था, कब मिलाया गया था। 1 नवंबर 1956 आपको याद रखना है, तीन नंबर ऑप्शन इसके अंदर दे रखा है, 1 नवंबर 1956। अगला क्वेश्चन है, सिरोही की आबू व देलवाड़ा तहसील मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुर तहसील को सुलेट, टप्पा व अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में कब मिलाया था। 1 नवंबर 1956 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्र परिषद में सर्वप्रथम अपना प्रतिनिधि किस रियासत ने भेजा था। संविधान निर्मात्र परिषद में सबसे पहले प्रतिनिधि जो है वो किसने भेजा था। तो एक नंबर बीकानेर है, दो नंबर जयपुर, तीन नंबर जोधपुर, तीन नंबर चार नंबर मेरवाड़ा। तो इसका सही आंसर है बीकानेर रियासत ने, बीकानेर ने सबसे पहले अपने जो प्रतिनिधि है वो भेजे थे, एक नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को राजपुताना गुजरात व मालवा के नरेश्वर का सम्मेलन किसके द्वारा, किसने बुलाया था। तो मेवाड़ महाराणा ने बुलाया था, एक नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लावा ठिकाने को जयपुर रियासत में कब शामिल किया गया था। लावा ठिकाने को जयपुर रियासत में जुलाई 1948 को शामिल किया गया था, दो नंबर ऑप्शन सही होगा, जुलाई 1948। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया था। मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में शंकर राव देव समिति है उसके द्वारा मिलाया गया था मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में। तो ये समिति बनाई गई थी शंकर राव देव समिति, जिसकी सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिलाया गया था, तीन नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के पुनर्गठन के बाद 1 जनवरी 1956 को राज्य में जिले कितने थे। तो 26 जिले थे जब राज्य के अंदर पुनर्गठन हुआ था उस टाइम में 26 जिले थे राजस्थान के अंदर। आपको कमेंट में ये बताना है कि आज जो वर्तमान में कितने जिले हैं राजस्थान के अंदर। अगला क्वेश्चन है, देशी राज्यों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त हुआ था। देशी राज्यों को आत्मनिर्णय का अधिकार है वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा ही प्राप्त हुआ था, एक नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। भारतीय जो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के तहत ही हमें ये प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के कौन से राजा अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना
चाहते थे, तो वो थे राणा हुणुत सिंह, जिसे हनवंत सिंह भी बोला जाता है। यह एक ऐसा राजा था हनवंत सिंह जोधपुर का, जो अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहता था। एक नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर के स्वतंत्रता सेनानी व प्रजामंडल आंदोलन के कार्यकर्ता सागरमल गोपा का देहावसान कैसे हुआ था? तो जेल में हत्या हो गई थी जैसलमेर के अंदर जो सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा, उनको जेल में जलाया गया था। तो एक नंबर ऑप्शन सही होगा, जेल में हत्या। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल के नवंबर 1941 में हुए प्रथम वार्षिक अधिवेशन व उद्घाटन किस राष्ट्रीय राजनेता ने किया था? तो वो थे आचार्य जेबी कृपलानी। तीन नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का छठा अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो उदयपुर में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का छठा अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। तीन नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना, तो इसका सही आंसर है 1921 में। तो दो नंबर ऑप्शन दे रखा है, 1921 में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 1934 में। चार नंबर ऑप्शन सही होगा, 1934 में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 1938 में जोधपुर प्रजामंडल का नाम परिवर्तन कर कौन सा राजनीतिक संगठन गठित किया गया था? 1938 की बात है, जोधपुर प्रजामंडल का नाम परिवर्तन करके राजनीतिक संगठन गठित किया गया था, तो मारवाड़ लोक परिषद के द्वारा। एक नंबर ऑप्शन सही होगा, मारवाड़ लोक परिषद। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर नगरपालिका के पहले निर्वाचन के बाद प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन बने थे? जोधपुर नगरपालिका के पहले निर्वाचन के बाद प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन बने थे? तो जयनारायण व्यास बने थे। दो नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 3 मार्च 1948 को जोधपुर में गठित पहली मिलीजुली उत्तरदायी सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जयनारायण व्यास थे। एक नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, जयनारायण व्यास। अगला क्वेश्चन है, सन 1936-37 में गठित पुनर्गठित जयपुर राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने थे? तो चिरंजी लाल मिश्र बने थे। तीन नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, चिरंजी लाल मिश्र। अगला क्वेश्चन है, सेठ जमनालाल बजाज जयपुर राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे? तो सेठ जमनालाल बजाज वो जयपुर राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष 1938 में बने थे। तीन नंबर ऑप्शन सही होगा, 1938। अगला क्वेश्चन है, जेंटलमेंट एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेंटलमेंट एग्रीमेंट है वो मिर्जा इस्माइल व हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ था। चार नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस रियासत के प्रजामंडल ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से समय को पृथक रखा और भाग भी नहीं लिया था? जयपुर रियासत थी जिसने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में स्वयं को पृथक रखा था, भाग भी नहीं लिया था। तो दो नंबर ऑप्शन सही होगा, जयपुर। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर में राजनीतिक चेतना जागृत करने हेतु सबसे पहले गठित संस्थान कौन सी थी? तो भरतपुर राज्य प्रजा संघ है वह पहली संस्थान थी, भरतपुर में राजनीतिक चेतना जागृत करने वाली, भरतपुर राज्य प्रजा संघ। एक नंबर ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 1939 के अंत में गठित भरतपुर प्रजा परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? 1939 के अंत में भरतपुर प्रजा परिषद है उसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मास्टर आद्यन्द्र जी है वो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे भरतपुर प्रजा परिषद के। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में राजस्थान की एकमात्र रियासत जहां उत्तरदायी शासन की दिशा में कोई विशेष पहल व प्रगति नहीं हुई थी, तो वह है जैसलमेर। तीन नंबर ऑप्शन सही होगा, एकमात्र रियासत थी राजस्थान की जहां पर कोई उत्तरदायी शासन की दिशा में कोई विशेष पहल या प्रगति नहीं हुई थी जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता में लोकनायक की उपाधि से विभूषित नेता कौन से हैं? तो जयनारायण व्यास है। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता में लोकनायक की उपाधि विभूषित करने वाले जयनारायण व्यास थे। चार नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ का वर्तमान शासक के लेखक कौन है? यानी एक मेवाड़ का वर्तमान शासक बुक है उसके लेखक कौन है? तो माणिक्यलाल वर्मा है। तीन नंबर ऑप्शन सही होगा, माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ का नाम आते ही आपको माणिक्यलाल वर्मा कर देना है। अगला क्वेश्चन है, 1936-37 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना निम्न में से कौन से संबंधित नहीं है? 1937-37 में जो जयपुर प्रजामंडल बनाया गया था
उसमें यह पूछा कि इन जो लोगों में से कौन सा संबंधित नहीं है। चार नाम दिए गए हैं, पहला जमनालाल बजाज, दूसरा लाला शास्त्री, तीसरा अखिलेश्वर प्रसाद, चार नंबर है कर्पूरचंद पाटनी। तो यहाँ पर अखिलेश्वर प्रसाद है, इनका संबंध जयपुर प्रजामंडल से नहीं है। जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, कर्पूरचंद पाटनी, ये तीनों इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना का वर्ष व उसके अध्यक्ष कौन थे। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी, अप्रैल 1938 में, और बलवंत सिंह मेहता इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। बलवंत सिंह मेहता, एक नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार जयपुर राज्य प्रजामंडल के संस्थापक थे, यानी प्रथम बार जयपुर राज्य प्रजामंडल है उसके संस्थापक कौन थे, तो कर्पूरचंद पाटनी थे, तीन नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दूध व खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है, यानी कि दोस्तों जो दूध व खारा आंदोलन हुआ था वो किस रियासत से संबंधित है, बीकानेर रियासत से संबंधित है, एक नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया के किसानों की मांग के औचित्य की जांच करने के लिए अप्रैल 1919 में किस जांच आयोग का गठन किया गया था, तो न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग बनाया गया था। न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग बिचौलिया किसानों की मांग की औचित्य की जांच करने के लिए गठन किया गया था इस आयोग का, न्यायमूर्ति बिंदुलाल आचार्य जांच आयोग, और 1919 में इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रूपाजी कृपाजी नामक किसान आंदोलन का संबंध किस आंदोलन से है, तो बेंगू किसान आंदोलन से। कई बार एग्जाम में पूछा गया रूपाजी कृपाजी का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो बेंगू किसान आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे, तो धाकड़ जाट सर्वाधिक थे, दो नंबर ऑप्शन सही होगा। बिजोलिया आंदोलन में धाकड़ जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे। अगला जो क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ के भैंसरोड़गढ़ से चित्तौड़ भीलवाड़ा के बिजोलिया तक का जो पठारी भाग है वह रियासत काल में किस नाम से जाना जाता था। चित्तौड़गढ़ का एक क्षेत्र है भैंसरोड़गढ़ और भीलवाड़ा का एक क्षेत्र है बिजोलिया, इन दोनों के बीच में जो पठार बनाया गया उसका क्या नाम है, ऊपरमाल का पठार है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, चार नंबर ऑप्शन सही होगा, ऊपरमाल का पठार कहाँ पर है। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम हुआ था, तो बिजोलिया से, बिजोलिया सबसे पहले शुरू हुआ था आंदोलन, कृषक आंदोलन था बिजोलिया किसान आंदोलन 1942 में शुरू हो गया, सॉरी, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बिजोलिया में, यानी कि ये लगभग 1997 में शुरू हुआ था, 1897 में, और उसके बाद में ये 1942 तक चला था, 42 या कई बुकों में 44 दे रखा है। अगला जो क्वेश्चन है, बोमट भील आंदोलन का नेतृत्व किया था, बोमट भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो मोतीलाल तेजावत ने, दो नंबर ऑप्शन सही होगा, मोतीलाल तेजावत। अगला क्वेश्चन है, हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी, हरिजन सेवा समिति की स्थापना भोगीलाल पांडे ने की थी, दो नंबर ऑप्शन सही होगा, भोगीलाल पांड्या। अगला जो क्वेश्चन है वह है, किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला भरता है, तो आपको पता है मल्लीनाथ जी का मेला तिलवाड़ा में भरता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ पर भरता है, तो तिलवाड़ा में भरता है, यह आपको याद रखना है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में पूजी जाती है, तो अलवर क्षेत्र की लोक देवी है वो है जिलानी माता, दो नंबर ऑप्शन सही होगा, जिलानी माता। अगला क्वेश्चन है, शीतला माता को निम्न में से किस नाम से नहीं जाना जाता है, शीतला माता को है वो चेचक की देवी कहते हैं, बच्चों की शिक्षिका कहते हैं, महामाई कहते हैं, लेकिन दादी जी नहीं कहते हैं, डी ऑप्शन इसका गलत है। अगला क्वेश्चन है, चारण जाति के लोग देवी का चार सिद्ध पीठ में से कौन सी पीठ के उपासक है, तो वो हिंगलाज की, हिंगलाज माता है उसकी जो पीठ है उसके उपासक है चारण जाति, तो दो नंबर ऑप्शन दे रखा है, हिंगलाज माता। अगला क्वेश्चन है, जीर्ण माता का मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान प्रथम था उसके काल में जीर्ण माता का मंदिर शिखर में बनाया गया था, एक नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, माघ शुक्ल सप्तमी को गधों का मेला कहाँ पर लगता है, तो गधों का मेला कहाँ लगता है, आपको पता होगा ब्राह्मणी माता का मंदिर है लुणियाबास जयपुर में, तो वहाँ पर गधों का मेला लगता है माघ शुक्ल सप्तमी को, एक नंबर ऑप्शन सही होगा, ब्राह्मणी माता का मंदिर में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग में असंगत है, बदाना माता मूठ पीड़ित का इलाज सही है, आवरी माता लकवे का इलाज के लिए जानी जाती है सही है, बड़ली माता शिशुओं के इलाज के लिए सही है, नागणीची माता कुष्ठ रोग का इलाज ये गलत है, चार नंबर ऑप्शन असंगत है। अगला क्वेश्चन है, नकटी माता का मंदिर राजस्थान किस जिले में है, नकटी माता जयपुर में है, तीन नंबर ऑप्शन याद रखिए, नकटी माता जयपुर में।
अगला क्वेश्चन है, सुगाली माता किसकी कुल देवी है? तो सुगाली माता जो आव्य के ठाकुर परिवार है उनकी कुल देवी है सुगाली माता। तो आव्य के ठाकुर परिवार बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वह एकमात्र मंदिर कौन सा है जहाँ देवी के पीठ का श्रृंगार किया जाता है और पूजा की जाती है? तो वह है ब्राह्मणी माता का मंदिर जिसमें पीठ की पूजा की जाती है, एकमात्र मंदिर है जहाँ पर पीठ की पूजा की जाती है, ब्राह्मणी माता का मंदिर है। अगला जो क्वेश्चन है, करौली स्थित लोक देवी केला देवी के मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? करौली स्थित लोक देवी केला देवी का मंदिर किस निर्माण है वो किस शासक के द्वारा कराया गया था? तो गोपाल पाल सिंह के द्वारा, एक नंबर ऑप्शन सही होगा, गोपाल पाल सिंह। अगला क्वेश्चन है, बदनौर स्थित कुशाल माता का मंदिर किस जिले में है? बदनौर स्थित कुशाल माता का मंदिर है वो किस जिले में है? भीलवाड़ा में है, बी ऑप्शन सही होगा, भीलवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, तीर्थ यात्रा की सफलता की कामना हेतु राजस्थान में किस देवी की पूजा की जाती है? तो पथवारी को पूजा जाता है जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, तो सबसे पहले पथवारी माता को पूजा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ क्षेत्र की जनता की आराध्य देवी कौन सी है? तो सुगाली माता है, वो मारवाड़ क्षेत्र की जनता की आराध्य देवी है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन कहाँ चलाया था? गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन कहाँ पर चलाया था? तो डूंगरपुर व बांसवाड़ा क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, संप सपा के संस्थापक कौन थे? संप सपा के संस्थापक गोविंद गिरी थे, दो नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो मोतीलाल तेजावत ने। इन दोनों क्वेश्चनों को याद रखना है, एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने। और अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया था, भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन बिजोलिया था। अगला जो क्वेश्चन है वो है, वागड़ के गांधी कौन है? वागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या है, दो नंबर ऑप्शन सही होगा, भोगीलाल पांड्या। अगला क्वेश्चन है, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो रामनारायण चौधरी ने, एक नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बेंगू ठिकाना निम्न में से किस जिले में है? बेंगू ठिकाना चित्तौड़गढ़ जिले में है, दो नंबर ऑप्शन सही होगा, चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन है, दूसरा जलियांवाला बाग कांड से संबोधित स्थल निमूचना किस जिले में है? तो निमूचना आपको पता है अलवर जिले में है। दूसरा जलियांवाला बाग कांड से संबोधित है निमूचना, जो अलवर जिले में है, एक नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता कौन थे? राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता गुरु गोविंद गिरी थे, दो नंबर ऑप्शन सही होगा, गुरु गोविंद गिरी। अगला क्वेश्चन है, बारदोली आंदोलन का नेतृत्व मुख्यतः किसके हाथों में था? तो बारदोली आंदोलन था उसका नेतृत्व मुख्यतः सरदार पटेल के हाथों में था, एक नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के कौन से चरण में जयपुर जोधपुर रियासत शामिल थी? तो एकीकरण हुआ था उसके जो चतुर्थ चरण था 1949 में, उसमें जयपुर जोधपुर को शामिल किया गया था चतुर्थ चरण में। अगला क्वेश्चन है, राज्य के एकीकरण के दौर में सिरोही को राजस्थान में कब शामिल किया गया? तो सिरोही को छठे चरण में शामिल किया गया था, षष्टम चरण में, चार नंबर ऑप्शन सही होगा, सिरोही को षष्टम चरण में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकरण के तहत अंतिम समय में शामिल होने वाला क्षेत्र कौन सा था? राजस्थान के एकीकरण के तहत अंतिम समय में शामिल होने वाला क्षेत्र अजमेर मेरवाड़ा था, चार नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है? राजस्थान के एकीकरण का श्रेय सरदार पटेल को दिया जाता है, सरदार पटेल को दिया जाता है, तीन नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तिथि को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष, एक नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, महारावल चंद्रवीर सिंह ने राजस्थान संघ के निर्माण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ये किस रियासत के थे? तो ये बांसवाड़ा रियासत के थे, दो नंबर ऑप्शन सही होगा, बांसवाड़ा रियासत के चंद्रवीर सिंह थे, एक महारावल थे। जो राजस्थान संघ हुआ था उसके निर्माण के समय एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था, उस टाइम उन्होंने बोला कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, तो ये बांसवाड़ा रियासत के थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण में 18 अप्रैल 1948 को गठन किया गया था? तो संयुक्त राजस्थान का, तृतीय चरण में 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का गठन किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है वो है, आबू एवं देलवाड़ा तहसीलों का राजस्थान में विलय एकीकरण के कौन से चरण में हुआ था? तो सातवें चरण में, दो नंबर ऑप्शन का सही होगा, सातवें चरण में। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ में सम्मिलित रियासतें कौन सी है? तो अलवर भरतपुर धौलपुर करौली है, अलवर भरतपुर धौलपुर करौली है जो मत्स्य संघ में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, बीहड़ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है? बीहड़ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र है वो धौलपुर जिले में है,
चार नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। बीहड़ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र धौलपुर जिले में है, चार नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। राजस्थान में कपास सर्वाधिक कहाँ पैदा होता है? राजस्थान में सर्वाधिक कपास है वो हनुमानगढ़ जिले में होता है, एक नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राई व सरसों के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है, राई और सरसों में राजस्थान का प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में खरीफ फसलों में सर्वाधिक क्षेत्र और खाली स्थान दे रखा है का व रबी फसलों में सर्वाधिक क्षेत्र किसका रहा है? तो राज्य में खरीफ फसल तो सर्वाधिक होती है बाजरा, और उसके बाद में जो रबी की फसल है उसमें सर्वाधिक होती है गेहूँ। तो यहाँ पर बाजरा आ जाएगा और यहाँ पर गेहूँ आ जाएगा, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक व न्यूनतम कृषि क्षेत्र कहाँ पर है? सर्वाधिक तो है बाड़मेर जिले में और सबसे कम है राजसमंद जिले में। यानी कि दोस्तों कृषि सर्वाधिक बाड़मेर में होती है और सबसे कम राजसमंद में होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फसल है जिसके उत्पादन में क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टियों से राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है? तो बाजरे में प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में बंजर व व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है? तो सर्वाधिक व्यर्थ क्षेत्रफल अधिक होगा वहाँ पर होगा जैसलमेर में। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, धान ज्वार बाजरा ये सभी खरीफ की फसल है, लेकिन जो नहीं है जो गेहूँ ये रबी की फसल है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में बहुतायत से उत्पादित औषधीय फसल इसबगोल का स्थानीय नाम क्या है? तो इसबगोल का स्थानीय नाम है घोड़ा जीरा बोला जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, जो इसबगोल है घोड़ा जीरा जालौर जिले के उत्पादन में इसका अग्रणी स्थान है, जालौर जिला सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, कांगड़ी किस क्षेत्र की फसल है? तो कांगड़ी दक्षिणी राजस्थान की फसल है। कांगड़ी सूखे की स्थिति में पशुओं के लिए चारा प्रदान करती है। अगला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, गिद्धों के संरक्षण हेतु कंजर्वेशन रिजर्व किसे घोषित किया गया है? गिद्धों के संरक्षण हेतु जोहड़बीड़ गढ़वाला बीकानेर क्षेत्र है वो कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है गिद्धों के लिए, जोहड़बीड़ गढ़वाला बीकानेर, दो नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कठपुतली बनाने में किस वृक्ष की लकड़ी काम में लेते हैं? तो कठपुतली के लिए आड़ू की लकड़ी काम में लेते हैं, एक नंबर ऑप्शन इसका सही होगा आड़ू। अगला क्वेश्चन है, बूर क्या है? बूर एक मरुस्थल में सुगंधित घास होती है, बूर, तीन नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वन की लकड़ी में से पैकिंग के डिब्बे बनाए जाते हैं? तो पैकिंग के डिब्बे सालर वन से बनाए जाते हैं, दो नंबर ऑप्शन सही होगा, सालर वन से लकड़ी के पैकिंग डिब्बे बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेट्रोपा कर्कस किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? तो जेट्रोपा बोला जाता है रतन जोत को, दो नंबर ऑप्शन सही होगा रतन जोत। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर कहाँ लॉन्च किया गया था? कब लॉन्च किया गया था? जो प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये 5 जून 2013 को लॉन्च किया गया था, 5 जून 2013 को। जो गोडवान के संरक्षण है तो ये प्रोजेक्ट 5 जून 2013 को राष्ट्रीय मरुस्थान जैसलमेर में लॉन्च किया गया था, और प्रोजेक्ट बस्टर्ड लॉन्च करने वाले राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा मरुस्थलीय बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर है? तो बीकानेर जिले में सबसे बड़ा देश का बायोलॉजिकल पार्क। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विद्युत को किस सूची में स्थान दिया गया है? तो भारतीय संविधान में विद्युत है वो समवर्ती सूची का है, यानी राज्य का भी है और केंद्र का भी है, तो दो नंबर ऑप्शन सही होगा समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थापित है? तो जैसलमेर जिले में है सबसे बड़ा पवन ऊर्जा पार्क। अगला क्वेश्चन है, देश का दूसरा व राजस्थान का पहला दूरदर्शन रिले स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई थी? राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा नीति 19 अप्रैल 2011 को जारी की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस है वो प्रतिवर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जल विद्युत शक्ति के विकास में सर्वाधिक बाधक तत्व कौन सा है? तो वह है मौसमी वर्षा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, राज्य में किस स्थिति के पश्चात विद्युत उत्पादन क्षेत्र में निजी भागीदारी को प्रारंभ कर दिया गया था? तो 1991 के बाद में विद्युत उत्पादन क्षेत्र में निजी भागीदारी को प्रारंभ कर दिया गया था, डी ऑप्शन सही होगा 1991। अगला क्वेश्चन है, पावर पैक योजना का संबंध किससे है? तो पावर पैक योजना का संबंध सौर ऊर्जा से है, सी ऑप्शन सही होगा सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार की दूसरी गैस आधारित परियोजना कौन सी है? तो राजस्थान सरकार की दूसरी गैस आधारित परियोजना जो धौलपुर गैस कमांड व साइकिल पावर प्लांट परियोजना है,
एक नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, देश में ताप विद्युत परियोजना किसके द्वारा संचालित की जाती है? देश के अंदर ताप विद्युत परियोजना है वो NTPC के द्वारा संचालित की जाती है। बी ऑप्शन इसका सही होगा, NTPC। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वर्तमान में सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है? राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा सोलर पार्क बड़ला सोलर पार्क है, जो मैप से सैटेलाइट से भी दिखता है। डी ऑप्शन सही होगा, बड़ला सोलर पार्क। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन यानी JNNSM कब प्रारंभ किया गया था? तो 11 जनवरी 2010 को प्रारंभ किया गया था। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम गैस विद्युत परियोजना किस जिले में है? राजस्थान की प्रथम गैस विद्युत परियोजना बारा जिले में है। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये बारा वाला प्रथम गैस विद्युत परियोजना। अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम कोयला आधारित बिजली घर स्थापित है? कोयला आधारित बिजली घर बाप जोधपुर में है। एक नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भोमट क्या है? भोमट एक कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का जो फटार है वह भोमट कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित किला कौन सा है? तो त्रिकूट की पहाड़ी पर कौन सा किला स्थित है? जैसलमेर किला स्थित है। और अगला जो क्वेश्चन है वो है, जालोर पर्वतीय क्षेत्र स्थित है? जालोर पर्वतीय क्षेत्र है वो जालोला पहाड़ है, इसराना पहाड़ है और रोजा भाकरे, तीनों ही है। उपरोक्त भी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर की टर्सरीकालीन चट्टानों में भंडार है? जैसलमेर की टर्सरीकालीन चट्टान है उसमें किसका भंडार है? तेल व गैस के भंडार हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान प्रदेश के उत्तर में स्थित है? तो पंजाब का मैदान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के उत्तर पश्चिमी पंजाब आता है, पंजाब का मैदान है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से किस बालुकास्तूपों पर वनस्पति आवश्यक रूप से दिखाई पड़ती है? तो वनस्पति रेख जो पुनानुवर्ती बालुकास्तूप है उन पर दिखाई पड़ती है वनस्पति। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बरखान या अर्धचंद्राकार बालुकास्तूप पाए जाते हैं? बरखान या अर्धचंद्राकार बालुकास्तूप है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? अर्धचंद्राकार में बालुका स्तूप ये हो जाएगा सूरतगढ़ में है, मेडा नदी घाटी में और भालेर में है, तीनों जगह अर्धचंद्राकार बरखान प्रकार के बालुका स्तूप है। उपरोक्त सही सभी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शेखावटी क्षेत्र में सरिया सरोवर के उदाहरण है? तो मानसर, सालीसर और जस्सूसर, ये तीनों क्या है? शेखावटी क्षेत्र में सरिया सरोवर के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मरुप्रदेश में प्राचीन काल में प्रवाहित होने वाली सरस्वती नदी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो सत्य देखिए, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल हिमालय से, सरस्वती नदी का अरब सागर में मिलती है, सरस्वती नदी एक पौराणिक नदी है, तीनों ही सही है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये हाड़ौती क्षेत्र में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लूणी नदी का पानी बालोतरा तक रहता है? लूणी नदी का पानी है वो बालोतरा तक तो मीठा रहता है लेकिन बाद में खारा हो जाता है। तो अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक व सामाजिक वातावरण पर्यावरण व राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश में मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धौलपुर। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है? राजस्थान में 56 का मैदान है वो किस नदी बेसिन में है? तो माही नदी बेसिन में। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान में स्थित मरुस्थल को थार का मरुस्थल कहते हैं। बी ऑप्शन इसका सही होगा, थार का मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है, गुजरात राज्य में सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो बाड़मेर में, बाड़मेर गुजरात से सबसे कम सीमा बनाता है। सी ऑप्शन सही होगा, बाड़मेर जिला। अगला क्वेश्चन है, मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? तो मरुधर के नाम से आपको पता है जोधपुर संभाग प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कमलनाथ नामक पर्वत शिखर स्थित है? कमलनाथ नामक पर्वत शिखर कहाँ पर है? ये उदयपुर में है कमलनाथ, और नागपाड़ कहाँ पर है? जैसलमेर, अजमेर में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अरावली प्रदेश में सिमली जिला कौन सा है? तो दक्षिण अरावली प्रदेश में राजसमंद हो गया, उदयपुर हो गया, सिरोही हो गया। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में तृतीय कल्प या टर्सरी के सेल्स में विद्यमान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टर्सरी कहाँ पर है? टर्सरी बीकानेर व बाड़मेर में है, बीकानेर व बाड़मेर में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से लूणी व लूणी नदी अपात तंत्र से संबंधित नहीं है? लूणी नदी अपात तंत्र से संबंधित नहीं है वो हो जाएगा जोधपुर जिले के उत्तरी पूर्वी भाग। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत पाक सीमा से लगे जिलों में कौन सा परंपरागत जल प्रबंधक स्रोत की मौजूदगी हतीक है? तो वहाँ पर क्या बनाया जाता है? टांका बनाया जाता है, कुंड बनाए जाते हैं भारत पाक सीमा के नज़दीक वर्षा का जल इकट्ठा करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर जिले के अधिकांश क्षेत्र में किस प्रकार की बालुका स्तूप है? तो जैसलमेर जिले के अधिकांश क्षेत्र में अनुदेद्री प्रकार की बालुका स्तूप है। ये ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रघुनाथगढ़ पर्वत शिखर कहाँ पर है? रघुनाथगढ़ जो पर्वत शिखर है वो है सीकर में। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली स्थित है? राजस्थान में अरावली है वो
दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अगला क्वेश्चन है, अरावली क्षेत्र में सर्पिलाकार नाग पहाड़ कहाँ पर है? अरावली क्षेत्र में सर्पिलाकार नाग पहाड़ है वो अजमेर में है, अभी आपको बताया था, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विस्तृत जिले कौन से हैं? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विस्तृत जिले पश्चिमी क्षेत्र अधिक है, जो जैसलमेर बाड़मेर है, ये सभी जिले वो बड़े हैं क्षेत्रफल में। अगला क्वेश्चन है, पवन की दिशा में के समकोण पर बनने वाले बालुका स्तूप को कहा जाता है? पवन की दिशा के समकोण जो बनते हैं बालुका स्तूप, उन्हें अनुप्रस्थ बोला जाता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा, अनुप्रस्थ। अगला क्वेश्चन है, बाड़मेर जैसलमेर का चट्टानी प्रदेश क्या कहलाता है? बाड़मेर जैसलमेर का चट्टानी प्रदेश बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, स्थलाकृति की दृष्टि से किस प्रदेश को एक विशाल इंसेलबर की संज्ञा दी गई है? तो वह आबू पर्वतखंड को एक विशाल इंसेलबर की संज्ञा दी गई है। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिणी चौड़ाई दर्शाने वाली रेखाएं निम्न में से किस जिले में एक दूसरे को काटती है? तो वह है नागौर। यानी कि दोस्तों ये पूछ रहा है कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम अगर रेखा खींचिए राजस्थान के अंदर, तो ये जो दोनों रेखा कहाँ पर मिलेगी? ये दोनों रेखाएँ नागौर जिले में मिलेगी, कुचामन में। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय जिलों में जनसंख्या घनत्व लगभग कितना है? मरुस्थलीय जिलों में जनसंख्या 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान बागड़ अर्धशुष्क मैदान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? राजस्थान बागड़ अर्धशुष्क मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 नंबर ऑप्शन का सही होगा। दोस्तों आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बता देना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आप अगर CET का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो।